चलो बेटा, रेशियो एनालिसिस को कंटिन्यू करेंगे। अब थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा कंसंट्रेट करना, बिकॉज रेशियो एनालिसिस प्योर प्रैक्टिकल टॉपिक है। मैंने पहले ही बता दिया था, 15 मार्क का आपका एग्जामिनेशन में सम आएगा, आएगा और आएगा ही 15 मार्क का सम। तो दो लेक्चर तो ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पे आपको लिंक भेज दिए, अपलोड कर दिए, कि सबसे पहले तो रूल्स क्या है कि आपको फॉर्मूलाज लर्न करनी पड़ेगी। अगर आपको फॉर्मूलाज लर्न है तो ऑटोमेटिकली आप सॉल्व कर पाओगे। तो रेशियो एनालिसिस के अंदर जनरली 3 टाइप के सम्स है नहीं, अपनों ने डिवाइड किए। जैसे पहली टाइप क्या, कि जो पहली टाइप के जो मैंने आज सुबह में कल का आज दो आपको वीडियो भेजी, वो क्या आपको इन्फॉर्मेशन में दिया होगा, प्रिपेयर कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, रिटर्न ऑन इक्विटी, डेटा टर्नओवर एंड सो ऑन। ये पहली टाइप के सम। अब दूसरी टाइप के सम कैसे होते हैं, कि जहां पे आपको क्वेश्चन में इस प्रकार का क्वेश्चन दिया होगा, किस प्रकार का, मैं आपको बता रहा हूं, जस्ट वेट। यस, जैसे देखो सम नंबर 21 चेक करो, बैलेंस शीट दिए, ने नीचे क्या दी दिया है, करंट रेशियो 2.5:1, डेटा टर्नओवर 7.5 टाइम्स, डेटा टर्न ओवर। तो देखो मैंने कब फॉर्मूला बताया, सम नंबर आपको जो भी बोलता हूँ, पैम्पलेट लिए बिना मत बैठना, वरना जनरली सब कुछ आपको ऊपर से ही जाएगा। तो यहाँ पे क्या दिया, देखो 5 फॉर्मूला दिए, करंट रेशियो, डेटा टर्न ओवर, स्टॉक टर्न ओवर, टोटल असेट टर्न ओवर, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, बाजू में ऑलरेडी आंसर लिख के दे दिए। तो इस टाइप के सम में क्या करना है, तो इस टाइप के सम में ये 5 क्वेश्चन सॉल्व करने के 12 मार्क्स होते हैं, कभी कभी 15 मार्क्स होते हैं। अब सर ये 5 फॉर्मूला के 15 मार्क्स क्यों होते हैं, तो भाई बेटा ये होता है कि जब तुमको इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो तो इसको अपने बोलेंगे इंडस्ट्री रेशियो। इसका मतलब तुमको ये सम के ऊपर से यही 5 फॉर्मूला फाइंड करनी है, करंट रेशियो फाइंड करनी है, डेटा टर्नओवर करना है, स्टॉक टर्नओवर करना है, असेट टर्नओवर करना है, जीपी करना है, ने उसके बाद आपको आंसर लिखना है कमेंट में, उसके बाद आपको आंसर लिखना है कमेंट में। जैसे मैं देखो और एक एग्जांपल आपको बताऊं तो आपका थोड़ा लॉजिक क्लियर बैठेगा। एग्जाम का सम है, देखो सम नंबर 15 दिया हुआ है, पैम्पलेट खोल के बैठना, आपको पता ज्यादा चलेगा। सम नंबर 15 दिया हुआ है, भी अल्लाह ने की देवे, सम नंबर 15 दिया हुआ है, देखो कौन सा दिया है ये सम नंबर, सम नंबर 12 चेक कर लो, देखो लिख के दिया है ना, नेट प्रॉफिट रेशियो, रिटर्न ऑन इक्विटी, इंटरेस्ट कवरेज, एक्सिट टेस्ट रेशियो, टोटल असेट टर्नओवर, डेटर, यानी ऑलरेडी वो लोग ने सॉल्व करके दिया है। अब आपको यही 6, देखो ये एग्जाम का समय, कॉलेज एग्जाम का समय, यही 6 फॉर्मूला आपको ये फॉर्मेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट से ढूंढनी है। ढूंढने के बाद क्या करना है, तो देखो यहाँ सॉल्यूशन दिया हुआ है कि अपना आंसर आया 9.60, वो लोग ने कितना दिया हुआ है, वो लोग ने दिया हुआ 9%, बराबर उनका रिटर्न ऑन इक्विटी कितने परसेंटेज है, 12% है। अपने देख अपने सॉल्व करेंगे तो रिटर्न ऑन इक्विटी कितना आता है, 11.36। क्लियर, इसका मतलब क्या हुआ, जो वो लोग ने बोले वही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सॉल्व करने के बाद आपको कंपेयर करना है, देखो इस प्रकार कि भाई इन वो लोग ने दिया है 9%, हमारा है 9.60, तो इसका मतलब क्या बताता है, वो लोग ने दिया है 12%, हमारा है 11.36, इसका मतलब क्या बताता है। तो प्रॉब्लम आती है कि सर हम थियरी में लिखे तो लिखे क्या, तो उसका सॉल्यूशन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर सब कुछ दे दिया, 12 फॉर्मूला के कंपेयर दे दिए। इसका मतलब जो इंडस्ट्री दिया है वो सपोज एज्यूम कर लो उनका आंसर है, एक्चुअल का मतलब सपोज एज्यूम कर लो हमारा आंसर। क्लियर, समझ में आया, तो इस प्रकार तुमको समझना है। इसको लिखना कैसा है, तो सबसे पहले तो आपको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करोगे ना तो आपको ये सब आंसर मिल जाएंगे। देखो अब इसकी थियरी कैसे लिखनी है, तो चलो देखते हैं नीचे। तो पहला आता है करंट रेशियो, तो करंट रेशियो का आइडियल रेशियो तो अपने थियरी में पढ़ा, इसके लिए बोला थियरी जिसकी क्लियर होगी उसको प्रैक्टिकल में प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होगी। तो आइडल रेशियो क्या है, आइडल रेशियो 2:1 है,
तो देखो द कंपनी पोजीशन इज अबाउट द नॉर्मल वैल्यू एंड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। क्यों? क्योंकि हमारा आंसर है 2.5, इंडस्ट्री का आंसर है 2.1। अब ये ज्यादा क्यों है तो उसके पीछे लॉजिक क्या है कि दिस सो गुड लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द फॉर्म, क्योंकि आइडल क्या है 2.2:1, टू इंडस्ट्री से हमारा रेशियो ज्यादा है, तो इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा रेशियो कंपनी के कंपेरिजन में अच्छा है। समझ में आया? अब अपने सेकंड पे जाते हैं, क्विक रेशियो। तो क्विक रेशियो कंपनी का कितना है 1:1, हमारा कितना है 0.7:1। तब इसकी थियरी क्या है, तो ऑलरेडी मैंने बताया क्विक रेशियो वो होती है जिसके अंदर हम स्टॉक इन्वॉल्व नहीं करते। क्विक रेशियो तुम्हारे लिक्विडिटी पोजीशन बताता है। तो देखो दिस रेशियो इज लेवर लोअर देन इंडस्ट्री, इट इंडिकेट फॉर्म ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन असेट, रीजन फॉर इन्वेस्टमेंट मे बी इन्वेंटरी इन स्लो मूविंग आउटडेटेड और ऑब्सोलीट। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई हमारा आंसर इसके लिए काम है कि भाई हमारे पास जो इन्वेंटरी पड़ी, हमारा जो पैसा लगा हुआ है वो आउटडेटेड है, हमने जो स्टॉक लगाया हो या तो स्लो स्टॉक इतना बिकता नहीं होगा। इन शॉर्ट जो रेशियो एनालिसिस में थियरी पढ़ाई वो आपको लर्न करनी फर्ज याद है। अगर इस टाइप का सम आया तो आपको थियरी लिखनी पड़ेगी, क्योंकि 12 मार्क के अंदर 6 फॉर्मूला पूछेंगे, तो 6 मार्क्स फॉर्मूला के, 6 मार्क्स इंटरप्रिटेशन के। इंटरप्रिटेशन कंपलसरी आपको थियरी में ही पता चलेगा कि जीपी रेशियो क्या बताता है, लेवरेज रेशियो क्या बताता है, स्टॉक टर्नओवर क्या बताता है। मैंने सब थियरी पढ़ाई है, इसका पहले वाला लेक्चर देख लेना यूट्यूब के पहले वाला। तीसरा क्वेश्चन है टोटल असेट टर्नओवर, इंडस्ट्री का कितना है 2 टाइम्स, हमारा कितना 1.5 टाइम्स। यहां भी बोल सकते हैं कि असेट टर्नओवर रेशियो हमारा इंडस्ट्री से कम है। इसका मतलब क्या होता है कि इंडस्ट्री वाले जितनी असेट को अच्छी तरीके से इस्तेमाल, टर्नओवर का मतलब क्या, टर्नओवर इज टोटली डिपेंड अपॉन सेल्स, इसका मतलब इंडस्ट्री वाले हमसे अच्छी असेट को इस्तेमाल कर रहे हैं। देखो लिखा हुआ है इट इंडिकेट लेस यूज ऑफ टोटल असेट बाय फर्म कंपेयर टू इंडस्ट्री, इट इंडिकेट फर्म इज एबल टू जनरेट लेस। हाँ तो क्या बताता है, तो ये पॉइंट वही बताता है कि हमारी इंडस्ट्री के कंपैरिजन में हमारा टर्नओवर रेशियो असेट का कम है, हमारा असेट का टर्नओवर रेशियो कम है। इसका मतलब जितना इंडस्ट्री असेट को इस्तेमाल करके सेल्स चला रही है, सेल्स कर रही है, उतना हम नहीं कर पा रहे, असेट टर्नओवर ये बताता है। उसके बाद आता है डेटर टर्नओवर रेशियो, तो इंडस्ट्री का टर्नओवर रेशियो 9 है, हमारा टर्नओवर रेशियो 8 है। तो अगेन वही पीली लाइन तो कॉमन आएगी कि दिस रेशियो इज स्लाइटली लोअर देन इंडस्ट्री एवरेज, दिस इंडिकेट एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल, द रीजन फॉर एफिशिएंट मैनेजमेंट कैन बी स्ट्रिक्ट पॉलिसी अडॉप्टेड बाय द फर्म और फर्म हैविंग गुड क्वालिटी ऑफ डेटर। इसका मतलब क्या कि इंडस्ट्री के कंपैरिजन में हमारा डेटर पे रिटर्न ज्यादा है। क्यों? क्योंकि हमारा मैनेजमेंट अच्छा होगा, हमारे पास जो कस्टमर है वो अच्छे होंगे। क्लियर? उसके बाद आगे बढ़ते हैं स्टॉक टर्नओवर, कौन सा टर्नओवर, स्टॉक टर्नओवर देखते हैं। 2 मिनट मैं कॉपी कर लो ये टेबल। ताकि तुमको समझने में इजी रहे। देखो स्टॉक टर्नओवर कितना दिया है, इंडस्ट्री का 6 टाइम्स दिया है और हमारा 4 टाइम्स है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे भी मैं वही पॉइंट लिखूंगा कि कंपेयर टू इंडस्ट्री हमारा टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो कम है। इसका मतलब क्या होता है कि हमारा मैनेजमेंट एफिशिएंट है, द स्टॉक इज मूविंग वेरी स्लोली, ऑब्वियसली देर इज लार्ज अमाउंट ऑफ स्टॉक इन द कंपनी, सो द सेल्स वॉल्यूम हैज टू बी कंसीडर इंक्रीज इन स्टॉक लेवल ब्रॉट डाउन। यानी वही है कि जितना तुम्हारा स्टॉक टर्न ओवर थियरी पढ़ना, मैंने मटेरियल दिया हुआ है, हर रेशियो का महत्व क्या है मैंने बताया है, थियरी में भी पढ़ा है और मटेरियल में भी दिया है। तो स्टॉक टर्न ओवर क्या बताता है कि हमारा मैनेजमेंट कितना एफिशिएंट है, हम स्टॉक को कितने जल्दी सेल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कंपेयर टू इंडस्ट्री हम उतना फास्ट नहीं कर सकते, इंडस्ट्री वाले हमसे 6 टाइम्स अच्छा करते, हम 4 टाइम्स करते। क्लियर? उसके बाद आता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, इंडस्ट्री का 30% है, हमारा 29, यानी इसका मतलब क्या, यहाँ पे भी हम इंडस्ट्री से पीछे। मगर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या बताता है, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ये बताता है कि हमारा
एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन क्या है? देखो, इट इंडिकेट मैन्युफैक्चरिंग एबिलिटी ऑफ द फर्म एंड इट शो द एफिशिएंसी विद मैनेजमेंट प्रोड्यूस ईच यूनिट. द फर्म ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू इंडस्ट्री विच इंडिकेट फर्म इज एबल टू प्रोड्यूस रिलेटिवली एट लो कॉस्ट. यानी हम अच्छा कर रहे हैं. उसके बाद आता है नेट प्रॉफिट. नेट प्रॉफिट ये अपनी बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी बताता है. फॉर्म इंडस्ट्री वालों का नेट प्रॉफिट है 8%, हमारा है 5%. वही जो लिखा वही लिखना है, कुछ नवा नहीं है. एक एक लाइन का एक्सप्लेनेशन है. Here company operating efficiency is comparatively low than industry. These four, अब ये क्यों हो सकता है? तो लिख सकते हैं कि हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस ज्यादा हो सकते हैं, हमारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस ज्यादा हो सकते हैं, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस ज्यादा हो सकते हैं, हमारे कोई खर्चे ज्यादा हो गए, इसके वजह से हमारा प्रॉफिट इंडस्ट्री के कंपेरिजन में कम है. देखो लिखा हुआ है, दिस कॉल फॉर स्टेप टू गेट बेटर सेल्स एंड रिडक्शन ऑफ एक्सपेंसिस. ऑपरेटिंग नहीं लिखोगे तो चलेगा, क्योंकि हमारे खर्चे ज्यादा होंगे तो ही हमारा सेल्स कम होगा. क्लियर? ये तुम्हारा आया नेट प्रॉफिट रेशियो. उसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक आता है रिटर्न ऑन टोटल असेट. तो चेक करो रिटर्न ऑन टोटल असेट, यानी तुम्हारे पास जो असेट है उसके ऊपर रिटर्न कितना मिलता है. तो इंडस्ट्री का है 8.5, हमारा है 5.5. तो दिस रेशियो इंडिकेट, अब ये रिटर्न ऑन टोटल क्या बताता है? This ratio indicate firm ability of utilizing the total fund provided by the fund provider. It indicate return generated by the firm for its fund provider. यानी return on asset वही बताता है कि जो हमने धंधे के अंदर asset में पैसा लगाया है उस पे से हमको return कितना मिल रहा है. तो common sense है company का, अपनी company का percentage industry से कम है, इसका मतलब हम industry के बराबर अपने fund को सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, इतना रिटर्न हम अर्न नहीं कर पा रहे. क्लियर? उसके बाद आता है रिटर्न ऑन इक्विटी. यानी इक्विटी का मतलब क्या? ओनर फंड. तो दिस रेशियो इंडिकेट एबिलिटी ऑफ द फंड प्रोवाइडेड बाय द इक्विटी शेयर होल्डर. इट इंडिकेट रिटर्न जनरेटेड बाय द फंड फॉर इज शेयर होल्डर. इट इज लो कंपेयर टू इंडस्ट्री. सो फॉर द फॉर्म इट शेयर होल्डर आर नॉट सफिशियंट. यानी वही बताया कि शेयर होल्डर ने जो पैसा लगाया उनको तुम कितना रिटर्न कमा के दे रहे हो, रिटर्न ऑन इक्विटी वही बताता है. तो कंपेयर टू हमारी सेम इंडस्ट्री हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी कम है. अब आता है डेप्ट असेट रेशियो. याद रखना डेप्ट असेट रेशियो क्या बताता है? कि इक्विटी के सामने तुम्हारा डेप्ट कितना है. तो इंडस्ट्री वालों का डेप्ट रेशियो 2:1, हमारा डेप्ट रेशियो है 1:1. तो देखो दिस रेशियो इंडिकेट द प्रोपोर्शन ऑफ डेप्ट कंपेयर टू इक्विटी. द रेशियो इज लोअर. हाँ तो हम काटते हुए थे डेप्ट के ऊपर. तो ये रेशियो क्या बताता है? कि भाई डेप्ट टू इक्विटी यानी जितनी कंपनी में लायबिलिटी है उतना क्या तुम्हारा इक्विटी है. तो देखो वही बताया, दिस रेशियो इंडिकेट द डेप्ट कंपेयर टू इक्विटी in the firm ability on equity. This ratio is lower compared to industry, indicate lower proportion of debt. yani ye batata hai ki hamara itni koi liability industry jitni nahi hai, yani hamari equity aur debt equal hai. yani jitna debt hai utna hamara equity hai. yani humne koi faltu ki zawabdari bhar ke dimag pe headache leke rakha nahi. dusra aata hai debt to asset ratio. तो इंडस्ट्री का है 0.75, हमारा है 0.80. तो क्या बताता है? तो डेप्ट टू असेट रेशियो आपको ये बताता है कि बाई कंपेयरिंग दिस रेशियो विद डेप्ट टू इक्विटी इट रिप्रेजेंट पोर्शन ऑफ डेप्ट इन कैपिटल स्ट्रक्चर. सो कंपनी कैन गो फॉर हायर प्रोपोर्शन ऑफ लॉन्ग डेप्ट टू टेक डेट. अब लेवरेज का ये अपने नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा. मगर क्या बताया कि जितना डेप्ट टू असेट रेशियो अच्छा होगा उतनी कंपनी की, यानी कॉमन है कि भाई इतनी तुम लायबिलिटी लेने के लिए कैपेबल हो असेट के सामने, उतनी तुम लोन बोरोइंग कर सकते हो, करो. उसके बाद आता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो. इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देख लेते, इंडस्ट्री का 3 times है, हमारा 6 times है. इसका मतलब क्या होता है कि भाई
हम इतना देवा रखते नहीं है, इसके लिए हमारा कवर हाँ। तो ये क्या बताता है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 16। थोड़ा नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रहा है बेटा, ठीक है। मॉर्निंग से ही आपकी बड़ी बड़ी वीडियो शेयर हो गई आज, ऑलमोस्ट वाईफाई भी हैरान कर रहा है। तो दिस रेशियो इंडिकेट टू विच अर्निंग में फॉल विदाउट कजिंग एम्ब्रेसमेंट टू फॉर्म। दिस रेशियो इज वेरी हाई कंपेयर टू इंडस्ट्री विच इंडिकेट लोअर यूज ऑफ डेट। यानी कॉमन है काम इतना जवाब, इंटरेस्ट कवरेज यानी हमारा इंटरेस्ट कवर कितने समय में हो जाता है, क्योंकि हम लोन लेंगे इंटरेस्ट, कोई भी जाती लायबिलिटी लेंगे लॉन्ग टर्म, तो इंटरेस्ट तो पे करना है, तो इंटरेस्ट का बर्डन कितना रहता है, क्लियर। तो देखो एग्जामिनेशन में तो मैंने तुमको एग्जांपल के तौर पे दिए, 200 में इसके नीचे भी और एक सम ऐसा आता है जहाँ पे वो लोग ने सॉल्यूशन के साथ दिया हुआ है, तो सॉल्यूशन के पीछे देने के पीछे आपको मीनिंग चाहिए कि आप लोग सही तरीके से इसको समझ सको, सही तरीके से लिख सको। मगर अगेन बोलता हूँ मैं आप लोगों को कि भाई इस टाइप के सम के लिए आपको सबसे पहले तो एक कंडीशन पे ध्यान देना है कि आप लोगों को सबसे पहले फॉर्मूलाज लर्न होनी चाहिए। देखो ये एरिया एक और सम, ये एरिया कौन सा सम है, सम नंबर 12 है ये प्योर एक सम है, ये तो सॉल्यूशन के साथ दिया है तो इतनी तकलीफ नहीं पड़ेगी। फिर उसके बाद देखो ये एरिया है सम नंबर 22 है, सम नंबर 23 है, देखो ये एरिया, समझ में आया। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सम नंबर 23 है, एग्जाम का सम है, बैलेंस शीट दी है, इंडस्ट्री का रेशियो दिया है, करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, डेटर रेशियो, इन्वेंटरी रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, तो क्या लिखा है, क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द अबव रेशियो फॉर राज यानी हमारी कंपनी का, कंपेयर द सेम विद एवरेज एंड कमेंट ब्रीफली, यानी उसको तुम्हारे कंपनी तो पूछेंगे सर करने कौन से थे, यहाँ जो 6 दिए वही करना, ज्यादा के नहीं करना, यही 6 रेशियो फाइंड करने, उसको कंपेयर करने, कंपेयर करने के बाद आपको अपना कमेंट देना। देखो और एक सम मैं बताता हूँ पीछे से, एग्जामिनेशन के सम बताता हूँ पीछे, जो 27-28 के बाद है ना, वो सब तुम्हारे एग्जाम के सम है। देखो सम नंबर 35 देखो क्या लिखा, यू आर प्रोवाइडेड बाय द बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट ऑफ प्राची लिमिटेड, एग्जाम का सम है 10 मार्क का, डिटरमाइन द फॉलोइंग रेशियो, कमेंट ऑन द हेल्थ ऑफ द कंपनी बेस्ड ऑन इंडस्ट्री, यानी इंडस्ट्री के 5 फॉर्मूला दे दिए, तो आपको सॉल्व भी ये 5 ही करना है। नेट प्रॉफिट रेशियो की फॉर्मूला क्या है, नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100, अपना आंसर आया, इसके साथ कंपेयर करो। एसेट टेस्ट रेशियो का मतलब करंट असेट माइनस इन्वेंटरी डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी, अपना आंसर आया, इसके साथ कंपेयर करो। टोटल डेब्ट इक्विटी रेशियो, तो लॉन्ग टर्म डेब्ट डिवाइड बाय नेटवर्थ प्लस प्रेफरेंस कैपिटल इनटू 100, जो आंसर आया कंपेयर करो। डेटर टर्नओवर रेशियो, क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय एवरेज डेटर, अपना आंसर आया, इसके साथ कंपेयर करो। फिक्स असेट टर्नओवर रेशियो, तो सेल्स डिवाइड बाय टोटल एवरेज फिक्स असेट, एवरेज टोटल फिक्स असेट, ये तुम्हारी सेकंड टाइप के सम हुए। जनरली ऐसे पूछते, देखो यहाँ पे भी ऐसा ही सम होगा लगभग, यहाँ पे देखो अलग है, 41 देखो कंपेयर करना है, सॉल्यूशन के साथ दिया है, आपको कमेंट कैसे लिखने, तो आपको समझ में आ जाएगा। 3-4 सम ऐसे देखो, ये और एक सम है 42-43 देख लो, कमेंट के साथ लिख के दिए, सॉल्यूशन के साथ आपको खबर पड़ेगी कहाँ पे कैसे कमेंट करने। अब इसके अंदर तुम्हारा सिर्फ एक ही टॉपिक बाकी रहता है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे तुम्हारा एफएम का कंप्लीट संपूर्ण यूनिट 1 आवर हो जाएगा। और खास इंपॉर्टेंट नोट ये कि कल या परसों तक मेरे पास ऑलमोस्ट ज्यादा मटेरियल आ जाएगा, मैं ग्रुप में डाल देता हूँ रात तक या कल, 3500 तक जमा कराना, जिसने 1500 जमा कराया वो 2000 लेके आए, जो कुछ भी लेके नहीं आया वो 3500 का इंस्टॉलमेंट लेके आवे, मटेरियल ले जाए। क्योंकि अब नेक्स्ट वीक सब में कोई भी लेक्चर तुमको ग्रुप में नहीं डालूंगा, क्योंकि तुम लोग को मैं लेक्चर दे रहा हूँ पर तुमको शर्म नहीं आ रही, आप पेमेंट करने नहीं आ रहे। आई टोटली टॉकिंग अबाउट बॉयज एक्सेप्ट 1, 2, 3, बॉयज को पढ़ी नहीं है, मैं भी ध्यान नहीं दूंगा, मैं भी छोड़ दूंगा, आपको लेक्चर सेंड नहीं करूंगा। अगर तुमने ज्यादा ऐसा हैरान करा तो मेरे पास एक और ऑप्शन है, 3-4 क्लासेस में ऐसा ही हुआ है,
लिंक सेंड करूंगा बच्चों को, 1 घंटे में लिंक ऑटोमेटिक गायब हो जाएगी, नो लिंक सेंड भी नहीं होगी, याद रखना। ये सब सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल।